हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। तो अगर आप वीक है इंग्लिश में और फिर भी आप बैंकिंग के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, एकदम परफेक्ट चैनल पर आप आ चुके हो। हिंदी से हम सिलेक्शन दिला रहे हैं और लगातार हमारा प्रयास है कि हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी बैंकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, इंग्लिश उनकी राह में रोड़ा ना बने। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, इस चैनल के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आपको प्रोवाइड कराता है आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए हिंदी, और जिसका जो लेवल है वो एग्जैक्ट रहता है एग्ज़ाम जैसा। अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे चैनल के साथ, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और उसके साथ ही आप अगर टेलीग्राम पर सर्च करोगे एजुकेटर पीयूष यादव तो भी आपको हमारा टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे यूट्यूब पे तो आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल होती ही हैं, और इसके साथ ही जो टेलीग्राम है यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है हिंदी के लिए, यहाँ पे आपको डेली रीडिंग आर्टिकल मिल जाता है जिसकी लैंग्वेज रहती है हूबहू एग्ज़ाम की। और इवन ये जो आर्टिकल मैं आपको डेली देता रहता हूँ, आपको हो सकता है देखने के लिए मिल जाए कि जो आर्टिकल आप पढ़ के जाए वैसा ही या फिर वही आर्टिकल आपको आप अपने एग्ज़ाम में भी दिख जाए। बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे चैनल पे हिंदी की मिल जाती है। 40 नंबर का जो पेपर आता है मेंस के अंदर, 40 मार्क्स जो इसमें रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सब्जेक्ट है उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश उन्हें परेशान कर देती है। तो कैसे क्या आप कर सकते हो वो पूरी बात हम यहाँ पे आपके सामने करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम परफेक्टली आपको हम यहाँ तैयारी कराने वाले हैं और साथ ही एक 1500 प्लस हिंदी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी देने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाली है, जुलाई के सेकंड वीक के लास्ट तक बिल्कुल आपको मिल जाएगी। प्राइस रहने वाला एकदम नॉमिनल प्राइस है 149। अगर आप वीडियो सॉल्यूशन खरीदते हैं तो आपको मिलेगा वो 300 रुपीज़ का। तो जरा हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करनी है, इस चैनल पर आपको क्या क्या मिल जाता है, क्या हमारी प्लानिंग रहने वाली है जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं आरआरबी के, तो किस तरीके से आप जा सकते हैं। बहुत से बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं होती है, उनको लगता है कि अगर बैंक का एग्ज़ाम है उसका मतलब, बैंक का एग्ज़ाम का मतलब क्या है कि इंग्लिश। अब सर इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में बहुत से बच्चे बैंकिंग के एग्ज़ाम की तरफ स्विच करना ही नहीं चाहते। यहीं पे सबसे बड़ी भूल होती है, अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे थोड़ा सा एज ले जाते हैं और हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे हैं वो अवेयरनेस की वजह से इस एग्ज़ाम से पहले ही दूरी बना लेते हैं। तो जो बच्चे अभी तक ये सोच रहे थे कि बैंक का मतलब इंग्लिश से सिलेक्शन होता है, तो उनका मिथ टूटने वाला है। हिंदी से सिलेक्शन मिलेगा, कैसे मिलेगा सर, प्रीलिम्स भी तो है, लेकिन आप सबको पता है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूं, आरआरबी पीओ और क्लर्क इन दोनों में ही प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, सिर्फ क्वांट पूछा जाता है, मैथमेटिक्स, या फिर क्या पूछा जाता है, रीजनिंग। यानी कि ये दो सब्जेक्ट ही आते हैं केवल प्रीलिम्स में, यहां भी इंग्लिश नहीं है। फिर मेंस में जब आप जाते हो तो वहां पे आपको क्वांट मिल जाता है, रीजनिंग मिल जाता है, कंप्यूटर आ जाता है 20 नंबर का। ये क्वांट के 40 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, सेम यही होता है 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स क्वांट रीजनिंग में, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फिर जीएस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। अब यहाँ पे जो सबसे क्रूशियल है वो है हमारा हिंदी, यहाँ पे हिंदी भी आता है या इंग्लिश। तो जब आपके सामने इतना अच्छा चैनल आपको मिल चुका है तो आप हिंदी पे स्विच क्यों नहीं करना चाहते, हिंदी के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, और ये 40 मार्क्स इन दोनों के साथ जब कंबाइंड होते हैं तो आपको श्योर शॉट सिलेक्शन दिला के जाते हैं। क्योंकि जो बच्चा फंसता है ना वो 10-15 नंबर का जो कमी हो जाती है, वो सब बच्चे इंग्लिश में इजीली 10 से 15-17 नंबर लाने के काबिल होते हैं।
लेकिन बात तो है कि आप कैसे 28 और 30 तक पहुंचे, वो आपको हिंदी लेके जाएगी। अब बच्चे ये कहते हैं कि सर हिंदी का पेपर टफ आता है, लेकिन इस चैनल पे आपको जो मिलता है वो हूबहू एग्जाम लेवल का मिलता है। तो लगातार जब आप प्रैक्टिस करोगे, पीडीएफ खरीद के जब आप 1500 क्वेश्चंस लगाओगे, हमारी इतनी सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, 78 क्लासेस पिछले सेशन की हैं, जहाँ पे मैंने आपको 6 या 7 मॉक टेस्ट भी कराए थे हिंदी के, बिल्कुल सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक कर लो। और अभी भी इस सीजन में भी हम आपको 12 क्लास अभी तक हम प्रोवाइड करा चुके हैं, और जबकि अभी सिर्फ जून चल रहा है, सितंबर में आपका एग्जाम होगा, तो लगभग 35 से 40 क्लास हम आपको यहाँ भी करा देंगे। तो फ्री क्लासेस जो आपको मिलने वाली हैं इस चैनल पे, फ्री क्लासेस हैं, फायदा उठाओ। अगर आपने अभी तक फायदा नहीं उठाया है तो इन फ्री क्लासेस का फायदा उठाओ। 68 क्लासेस हैं, चलिए हम एक बार इसको 65 क्लासेस मान लेते हैं, और लगभग 35 क्लासेस मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, इजिली मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप खुद सोचो, आपका जो 100 क्लासेस मिलेंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में आप खरीद लीजिए पीडीएफ, यहां से हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो सॉल्यूशन की खरीदो, क्योंकि कल जो मैंने क्लास 12वीं जो क्लास थी हमारी हिंदी की इस सीजन की, वहां पे मैंने आपको करने के तरीके सिखाए, वही चीज आपको वहां भी बिल्कुल उस वीडियो सॉल्यूशन में मिलेगी। तो सोचो आपका जो तरीका है क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करने का, किस हद तक आप पहुंच चुके होंगे। प्रैक्टिस के लिए आप पीडीएफ ले लिए, तो यहाँ पे फिर आपका जो हिंदी के ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर आपको वो भाषा कठिन लग रही होगी, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि लगातार देखिए 100 क्लासेस, 1500 क्वेश्चन, 100 क्लासेस के अंदर मान के चलिए मैं एक क्लास में तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन मैं लेता ही लेता हूँ, और अगर मैं 15 से 20 क्वेश्चन ले रहा हूँ तो लगभग इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स करोगे, लगभग 3000 क्वेश्चंस हैं। सोचो इस चीज़ को, 3000 क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में बिल्कुल वही लेवल आता है। तो ये आपको हिंदी में करना पड़ेगा, हिंदी आप अटेम्प्ट करोगे ईजिली 30 तक पहुँचोगे, 30 क्वेश्चन आप ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे ईजिली। बस वहाँ पर ध्यान क्या रखना है, ध्यान सिर्फ एक ही चीज का रखना है आपको, और वो ये है, अननेसेसरी अटेम्प्ट से हमें बचना है, यानी कि हमें तुक्के लगाने से बचना है। आप इतना मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपको कि आप वहां पे तुक्के नहीं लगाओगे, आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, और जो चीजें क्लियर होंगी आप वहां पे टिक करोगे और आपके वो आंसर सही होंगे। पिछले सीजन भी हमने काफी सारे बच्चों के सिलेक्शन कराए थे, इस बार भी हमारा पूरा टारगेट है कि हम आपको लेके जाएं और हिंदी माध्यम वाले बच्चों को एकदम तोड़फोड़ मचा दें। इवन हिंदी माध्यम का मैं नहीं कहूंगा, बहुत से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, तो जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम अगर आती है तो वो हिंदी पे स्विच करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अभी भी आपके पास अच्छा समय है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और जून, अभी मतलब मिड जून में है हम, तकरीबन आपको 75 से 80 डेज मिलेंगे, इसमें आप इजीली इस हिंदी को क्रैक कर जाओगे। यकीन मानो इस बार श्योर शॉट सिलेक्शन मिल जाएगा, केवल आपको अपने प्रीलिम्स पे काम करना है, और मैं जानता हूँ आप लोग कर रहे होंगे, और किस तरीके से उन चीज़ों को अटेम्प्ट करना है ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है अपने चैनल पर। मिलेंगी कहाँ, दो हमारी अलग मैंने प्लेलिस्ट में बनाई हुई हैं, एक तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस करके है और एक मोटिवेशनल करके कुछ नाम है, वो आप देख सकते हो, ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पे। यहाँ पे बहुत काम की चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं, जो भी आपके डाउट बन सकते हैं ना, वो सबके जानकारी मैंने यहाँ पे दे रखी है। क्लासेस अच्छे से आपको मिल रही हैं, पीडीएफ आपको टाइम से मिल जाएगी, अच्छे से प्रैक्टिस करो, हिंदी से सिलेक्शन होगा, इस बात को दिमाग में डाल लो और अच्छे से अपनी तैयारी पे लगे रहो। तो बस इतनी सी मुझे ये बात बतानी थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो नए बच्चे जो जानते नहीं हैं चैनल के बारे में, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे। अगर YouTube वाला कोई मेरा रिव्यू अगर देख रहा है तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा मेरा रीच बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं जो काम करने वाला हूँ वो बहुत ही बड़े लेवल पे अगर होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत से बच्चों को सिलेक्शन मिल जाएगा। इंग्लिश की वजह से इस बार नहीं अटकेंगे, इसके लिए हम अपना खुद प्रण लेते हैं, मैं मेहनत करूंगा, आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, अपनी स्टडी को जारी रखिए, और जो लोग नए बच्चे इस चैनल पर जुड़ रहे हैं वो जाके प्रीवियस हमारा कंटेंट चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप हमारे कंटेंट को एनालाइज कर सकते हो।
और अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ हिंदी से होना चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस यही हम आपसे चाहते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, डेडिकेटेड सब्सक्राइबर हैं, उनसे हम बस यही एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो बच्चे हैं, जो गाँव के बच्चे हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है, जो वही वह लेखपाल वगैरह के पीछे पड़े रहते हैं, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी थोड़ा समझ आए और वो अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भारत की थोड़ी सी बूस्ट हो सके।